पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, दिस इज़ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमा सलीम। गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा पूल पार्टीज़ का अहतमाम किया जाता है, हम वेकेशंस प्लान करते हैं और मज़े मज़े के खाने और बहुत मज़े मज़े के फ्रूट्स अवेलेबल हो जाते हैं। ऐसे में डेफ़िनेटली हमारा स्किन का जो सन एक्सपोजर टाइम है वो भी बहुत बढ़ जाता है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, डिहाइड्रेटेड होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है और स्वेटिंग होने की वजह से हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स वैसे चेहरे पर स्टे नहीं करते, तो उसकी वजह से हमारी जो स्किन हेल्थ है वो अफेक्ट होती है। बहुत रिस्क होता है कि फेस हमारा डल हो जाए और उस पर एजिंग अपेयर होना शुरू हो जाए। तो किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं स्किन केयर रूटीन के अंदर मॉडिफिकेशंस करके गर्मियों में होने वाले स्किन के नुकसान को, इस पर हम आज डिटेल में बात करेंगे आज की वीडियो में। गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जब हम डेफिनेटली सूरज का टाइम बहुत बढ़ जाता है, सूरज की धूप भी बहुत तेज़ होती है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपने चेहरे को एक तो सुबह शाम ज़रूर वॉश करना है ताकि जितनी भी ग्रीस है, ऑयल है, पोल्यूशन है, डर्ट है फेस पे, वो सारी एलिमिनेट हो जाए। उसके बाद एक अच्छा सनस्क्रीन अप्लाई करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने नॉन कॉमेडोजेनिक सनब्लॉक इस्तेमाल करना है, जिसका मतलब यह है कि वो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, और यह है कि एटलीस्ट 30 SPF का सनब्लॉक इस्तेमाल करें और ब्रॉड स्पेक्ट्रम उसके ऊपर टर्म लिखा हो तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि वो आपको UVA और UVB दोनों रेडिएशन से प्रिवेंशन फराहम करता है। इसके बाद अगर हम ये देखें कि सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा टाइम होता है सनलाइट का, तो वो 10 बजे से लेकर 4 बजे का होता है, क्योंकि ये वो टाइम है जिस वक्त मैक्सिमम यूवी रेडिएशन होती हैं और ये स्किन डैमेजिंग यूवी रेडिएशन होती हैं। तो अगर आप इस टाइम को अवॉइड कर सकते हैं तो आप इस टाइम को अवॉइड करें। इस टाइम में कोशिश करें अपनी बाहर की एक्टिविटीज़ मिनिमल रखें, कम से कम रखें। अगर आपको जाना भी पड़ता है तो आप कोशिश करें कि जितने भी सन एक्सपोज्ड आपके पार्ट्स हैं, चेहरा है, बाजू है, सर है, इसको कवर करके रखें हैट से, सनग्लासेस से, फुल स्लीव्स पहन के, और बार बार खुद को रिहाइड्रेटेड करते रहें। पानी का इंटेक 8 से 10 ग्लास का कॉन्शियस माइंड के साथ ज़रूर करना है आपने। और इसके बाद यह कि जब भी कभी आप बाहर से अंदर आएँ तो आपने ज़रूर शॉवर लेके चेंज कर लेना है, क्योंकि स्वेटिंग की वजह से हमारे जिस्म के ऊपर बैक्टीरियल कंटामिनेशन, बैक्टीरियल ग्रोथ की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ज़रूरी है कि आप शॉवर लेके एक दफ़ा चेंज कर लें और शॉवर लेने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि जी डाइट के अंदर आप, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें और ड्रिंक्स के अंदर लाइम वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लाइम वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल ड्रिंक्स दैट वी कैन हैव इन समर्स। इसके अलावा लस्सी भी, ये भी एक बहुत ज़्यादा मैजिकल ड्रिंक है, क्योंकि ये आपके वाटर की रिप्लेसमेंट के साथ साथ आपके सॉल्ट्स को भी मेनटेन करती है, जो हमारी स्वेटिंग की वजह से सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आपने अपने वाटर इनटेक को बहुत अच्छा रखना है ताकि आपको एक तो एनर्जी लेवल भी बहुत बेहतर है और स्किन के ऊपर डलनेस भी अपेयर ना हो। बाकी ये कि हफ्ते में 1 से 2 बार अपने चेहरे की एक्सफोलिएशन करें और सनब्लॉक ऐसा इस्तेमाल करें जो वाटर रेजिस्टेंट हो। सनब्लॉक के ऊपर मैंशन होता है कि वो वाटर रेजिस्टेंट हैं, लेकिन वाटर रेजिस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि वो वाटर प्रूफ हैं, और या ये कि अगर आपको स्वेटिंग होती है तो वो फिर भी स्टे करेंगे, लेकिन ये कि उनकी जो स्टेइंग कैपेसिटी होती है, जो उनकी स्टेइंग ड्यूरेशन होती है, वो नॉर्मल सनब्लॉक से थोड़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद जैसे आउटडोर एक्टिविटीज़ का रुझान बढ़ जाता है, स्विमिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो स्विमिंग के दौरान भी आपको वाटर रेजिस्टेंट सनब्लॉक को थ्रू आउट अप्लाई करके रखना है। और आपने ये करना है कि जब जब आप पूल से बाहर आते हैं तो आप उसको फिर रीअप्लाई करते रहें, तो इससे जो आपका सन बर्न का रिस्क है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप नाइट टाइम पे ऐसी फेस क्रीम्स इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन प्रॉब्लम और स्किन टेंडेंसी के हिसाब से हों। जैसे कि अगर आपकी स्किन पे एजिंग का प्रॉब्लम है या आप अपनी 25+ की एज में फॉल करें, तो आपको रेटिनॉल सीरम्स को हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि पिगमेंटेशन का शिकार हो रहे हैं, पिगमेंटेशन का मसला डिवेलप हो रहा है, तो आप अल्फ़ा आर्बुटिन बेस्ड या ज़ैलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकती है और वाइटनिंग का इफेक्ट भी देती है। कॉजिक एसिड बेस्ड क्रीम्स भी वाइटनिंग का इफेक्ट देती हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर जितने भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, हार्मफुल एजेंट्स प्रोड्यूस होते हैं सन डैमेज की वजह से भी, जो हमारी स्किन डैमेज होती है, तो उसके लिए एंटी ऑक्सीडेंट सीरम्स बहुत इफेक्टिव हैं, जैसे कि वाइटामिन सी बेस्ड सीरम्स हैं, तो आप वो भी ऑल्टरनेट नाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी नए प्रोडक्ट अपनी स्किन पे आप यूज़ करेंगे, कोशिश करें कि पहले स्किन पे पैच टेस्ट करें, उसके बाद उसको अप्लाई करना शुरू करें, या आप अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लें या उनसे मशवरा ले लें और अपनी स्किन टाइप के हिसाब से अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। और इसके बाद आपने ये करना है कि हफ्ते में 1 से 2 बार स्किन की जेंटल स्क्रबिंग करें, अपनी स्किन के हिसाब से सूटेबल
स्क्रबर या केमिकल पीलिंग एजेंट को इस्तेमाल करके, और अदरवाइज़ आप घर में मौजूद चीज़ों से भी अपनी स्किन की एक्सफोलिएशन कर सकते हैं, उससे स्किन की प्रॉपर सफाई होगी और आपकी जो भी प्रोडक्ट अपने रात को अप्लाई करनी है वो बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब होगी। और हफ्ते में एक से दो बार फेस मास्क का इस्तेमाल करें, फ्रिज में आप रख लें एक रोज़ वाटर स्प्रे बना के, इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और एक दो ड्रॉप्स लेमन के डाल के रख लें, और जब भी आप चलते फिरते उसको चेहरे पर स्प्रे कर लें तो बहुत अच्छी हाइड्रेशन रहेगी स्किन की। एलोवेरा के क्यूब्स बना के आप फ्रीजर में रख सकते हैं और आप उससे चेहरे पे मसाज करें हफ्ते में दो से तीन बार, तो उससे भी आपकी स्किन की बहुत अच्छी हाइड्रेशन रहेगी और ओवर टाइम स्किन डलनेस का प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी जी गर्मियों को एंजॉय करें, हेल्दी रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, डाइट का भी बहुत ख्याल रखें और अपने वाटर इनटेक का भी बहुत ख्याल रखें। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में समर स्किन के रूटीन को लेके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं, स्किन के किसी मसले में मेरी रहनुमाई चाहते हैं, तो आप ओला डॉग की प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।